नमस्कार, मैं अक्षय, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज़। आज दिल्ली के अंदर बीजेपी पार्टी द्वारा चक्का जाम का आयोजन किया गया है। यह चक्का जाम आम आदमी पार्टी द्वारा नई आबकारी नीति के विरोध में किया जा रहा है, जिसको लेकर के वे दिल्ली के हर एक जगह इस प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। उसी के लेकर उन्होंने आज द्वारका मोड़ पर प्रदर्शन किया, जिसमें पूरी तरह से द्वारका मोड़ को जाम कर दिया गया है। द्वारका मोड़ में आने वाले हर रास्ते को उन्होंने जाम किया और इसमें यहाँ के द्वारका से लगने वाले सभी आसपास के निगम पार्षद मौजूद रहे इस प्रदर्शन में। आइए उनसे बात करते और जानते हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के और इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। दिल्ली के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में चक्का जाम किया गया, जिसको लेकर बीजेपी द्वारा द्वारका मोड़ पर भी चक्का जाम किया गया, जिसकी वजह से उत्तम नगर से नजफगढ़ की ओर जाने वाले रास्ते पर काफी लंबा जाम लग गया और यातायात काफी लंबे वक्त तक बाधित रहा। विरोध के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। चक्का जाम में बीजेपी पार्टी के कई निगम पार्षद, उत्तम नगर विधानसभा से पूर्व विधायक पवन शर्मा और एसजीएमसी के मेयर मुकेश सूर्य के साथ साथ पार्टी के और भी नेता शामिल रहे, जिनसे हमने चक्का जाम को लेकर बात भी की। केजरीवाल 7 साल से जिस तरह दिल्ली को जीवन को नरक बनाने पर तुले हुए हैं, वो पंजाब में जाकर और दिल्ली में आकर किसी प्रकार का उसका अपने सरकार और अपने माध्यम से किसी प्रकार को लागू नहीं करते, और उसी का परिणाम ये है कि पंजाब में उन्होंने कहा कि शराब नीति और नशा ये दोनों बंद होने चाहिए, और दिल्ली में उन्होंने हर वार्ड के अंदर 3-3, 4-4 दुकानें ऐसी जगहों पर खोली हैं जिनके बारे में कहना होता था कि महिलाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन हर स्कूल के पास में, हर बस्ती के साथ में जहाँ माता बहनों का बहुत आवागमन रहता है, ऐसी जगहों पर ठेके खोलने का जो षड्यंत्र है केवल पैसे के और भ्रष्टाचार को जन्म देने के लिए इस प्रकार की चीज़ों को पैदा करने का काम उन्होंने किया है, और उसी का परिणाम ये है कि केवल कहना कुछ होता है लेकिन दूसरी तरह से लागू कुछ करना होता है। गोवा में जाकर कहते हैं कि मैं ये करूँगा, पंजाब में जाकर कहते हैं मैं ये करूँगा, परंतु आप वस्तुस्थिति अगर देखें आज दिल्ली में हर भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली की 2 करोड़ जनता इस बात को अपने को ठगा महसूस करती है कि केवल बिजली और पानी के चक्कर में नशा किस प्रकार से दिल्ली के अंदर फैल रहा है और जगह जगह पर जो चीज़ें वो पैदा कर रहे हैं केवल नशा की चीज़ें पैदा कर रहे हैं। दिल्ली में 7 साल में एक नई बस खरीदी नहीं गई है, दिल्ली के अंदर एक नया कॉलेज बनाया नहीं गया, दिल्ली के अंदर कोई नया स्कूल बनाया नहीं गया है, दिल्ली के अंदर किसी प्रकार का कोई फ्लाईओवर और कोई सड़कों का निर्माण इन 7 सालों में दिल्ली की सरकार ने किया नहीं है। अगर कोई एक काम किया है तो शराब की ठेकों जगह जगह पर खोलकर दिल्ली की जनता को नशा की ओर लेकर जाने का काम करते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार दिल्ली में शराब की नई नीति लेकर आई है, जिसके अंदर 850 दुकानें खुलेंगी और जो छोटे रेस्टोरेंट हैं उनको भी लाइसेंस ओपन कर दिया जाएगा। हम इस विरोध में हैं कि दिल्ली की शराब नीति अगर लागू रहती है तो दिल्ली की जनता बर्बाद हो जाएगी। हमारा आज ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली की शराब नीति को लेकर है। देखिए, दिल्ली की जनता की परेशानी को हम समझते हैं, आज कुछ घंटे दिल्ली की जनता परेशान है, लेकिन दिल्ली की जनता को यह समझना होगा कि अगर शराब नीति दिल्ली में लागू रहती है तो आने वाली हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी और दिल्ली का वातावरण खराब हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। इसलिए आज की कुछ घंटों की दिक्कत के बाद भी अगर हम दिल्ली सरकार को मजबूर कर पाए शराब नीति वापस लेने पे, तो हम दिल्ली की जनता को ये कहेंगे कि आप भी हमारे साथ आइए। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं कोरोना की गाइडलाइंस का पालन हम कर रहे हैं और हम ये खुद समझते हैं, आज मोदी जी ने 15 साल से ऊपर के बच्चों की वैक्सीन शुरू करी है, तो हम देश की इस कंसर्न को समझते हैं और इसीलिए हम सब कोरोना जो हमारी गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल होंगे, हमारा यही कहना है कि केजरीवाल अपना ये शराब की जो नीति लेके आए हैं उसको वापस जब तक नहीं लेंगे तब तक जनता और बीजेपी
रोड पे रहेगी और जब तक ये ठेके बंद नहीं हो जाते एमसीटी के द्वारा हम सारे ठेके बंद करवाएंगे जहाँ पे अनऑथराइज इलीगल खुले हुए हैं। और हम यही चाहते हैं कि केजरीवाल दिल्ली को शराब का पूरा वो ना बना दे माहौल। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सब लोग इसीलिए रोड पे आए हैं यहाँ पे जनता की भलाई के लिए कि शराब जिस तरह से औरतों को वो दे रहे हैं, अब जो आदमी शराब पीते होंगे वो अपनी महिलाओं को शराब के ठेके पे बेचेंगे तो कैसा माहौल होगा। आप देखिए मंदिर के पास, ये अपना धार्मिक स्थलों के पास, स्कूलों के पास, और इस तरह से शराब के ठेके खोले जा रहे हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। और कोई महिला नहीं चाहती कि उनके घर के पास ठेका हो। आज दिल्ली के अंदर 14 के 14 जिला अपने हिसाब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नगरवड़ जिला को ये द्वारका मोड़ का पॉइंट मिला हुआ था। आप देखिए लाखों की संख्या में यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आए हुए हैं, जिसमें हमारे नगरवड़ जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष भी आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत संख्या में बाकी कार्यकर्ता बंधु और नेता भी आए हुए हैं। ये शराब नीति के खिलाफ धरना है। केजरीवाल सरकार ने 250 दुकानों की जगह 800 दुकानें कर दी हैं दिल्ली में, तो इन दुकानों को बंद कराना है जिससे हमारे गरीब घर के बच्चे हैं जो बिगड़ रहे हैं ना बिगड़े। गरीब परिवार अगर दारू की बोतल लेके घर जाता है तो बच्चों को खाना नहीं मिलता है। एक तरफ केजरीवाल पंजाब में जाके शराब नीति के विरोध में काम करता है और दिल्ली में आके शराब नीति के साथ काम करता है। एक तरफ केजरीवाल पंजाब में जाके हर महिला को 1000 रुपये देने का वादा करता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, दिल्ली में 7 साल हो गए केजरीवाल सरकार को, 7 साल में 84 महीने होते हैं। एक महिला के खाते में 84,000 रुपये अगर वो दे तो मैं समझूंगा कि अपनी जगह ठीक है। क्या ऐसा वो कर सकता है? नहीं कर सकता। उसने कुछ नहीं करना, झूठ बोलना है और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। कितने लोगों के यहाँ हमारे पास अब हजारों की संख्या में भाई बहन खड़े हुए हैं, किसी का बिल जीरो नहीं आता। सिर्फ 2% लोगों का बिल जीरो आता है, बाकी सबका बिल बड़ा मोटा मोटा आता है। तो दिल्ली में आज पूरी दिल्ली में 14 के 14 जिला विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक ये प्राइवेट दुकानें बंद नहीं हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। धन्यवाद। मैं नजफगढ़ मार्केट का प्रेसिडेंट हूं और सारा व्यापार ठप हो रहा है ठेकों के कारण से। ग्राहक खरीदने आता है बच्चों का सामान, स्टेशनरी, कपड़ा, अनाज और राशन अपना, लेकिन खरीद के ले जा रहा है, खरीद के ले जाता है शराब। इतना परिवारों को तबाह कर रही है शराब, और जगह जगह शराब के ठेके जो खुलवाए जा रहे हैं रिहायशी इलाकों में, मंदिरों के पास, गौशाला के पास, मेन रोड पर, ये दिल्ली को विनाश के कगार पर ले जाने की तैयारी है। इसके विरोध में हम यहाँ पर आए हैं। और राज्यों में जाकर केजरीवाल कहता है कि मैं शराब का ठेका बंद करूँगा पंजाब में शराबबंदी करूँगा, और दिल्ली को शराब के सागर में डुबोना चाहता है, भावी पीढ़ी को खराब करना चाहता है। इसके लिए मैं यहाँ पर विरोध करने आए हैं। केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि वो 500 स्कूल दिल्ली को देंगे, लेकिन 500 स्कूल में से एक भी स्कूल खोलने का काम नहीं किया। लगभग 864 नए शराब के ठेके आज ऑथराइज कॉलोनी में। हमने कभी भी किराने की दुकान का विरोध नहीं किया, हमने कभी मेडिकल स्टोर का विरोध नहीं किया, हमने किसी प्लम्बर का विरोध नहीं किया, हमने कभी दूध वाले का विरोध नहीं किया, लेकिन घर घर तक पानी पहुँचाने की बात हुई थी केजरीवाल साहब, शराब पहुँचाने की बात नहीं होती। आज अपनी पार्टी विस्तार के लिए इस तरह से शराब माफियाओं को बढ़ावा देना ये दिल्ली के हित की बात नहीं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। अब यह चक्का जाम बीजेपी की मजबूरी है, एमसीडी को बचाने की है, या वे सही में आबकारी नीति का विरोध कर रहे हैं? और इसका उत्तर अभी जनता के पास है, जो समय आने पर उत्तर देगी। लेकिन एमसीडी के हाथ से निकलने का डर बीजेपी को अभी से सताने लगा है, इसीलिए आज बीजेपी के दिग्गज सड़क पर उतर आए हैं। और इस चक्का जाम का अंत बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ हुआ। जैसा कि हमने यहां मौजूद बीजेपी पार्टी के निगम पार्षद और बाकी नेताओं से बात करें, उनका यही कहना है कि इस तरह के प्रदर्शन चलते रहेंगे जब तक सरकार नई आबकारी नीति को वापस नहीं लेने दी है। वहीं उन्होंने केजरीवाल के ऊपर सवाल भी खड़े करे कि वो पंजाब के अंदर नशा मुक्त करने की बात करते हो, दिल्ली के अंदर ठेके खोले जा रही है, जिसकी वजह से उनको दोहरी नीति को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। अब देखना यह है कि दिल्ली बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे ये आंदोलन किस तरह और आगे बढ़ेंगे और क्या सरकार नई आबकारी नीति को वापस लेती है या नहीं। इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।